अध्याय 20, 19x10 की पहेली को सुलझाना। मेरे अमीर डैडी ने कहा था, कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो संपत्तियां खरीदते हैं और कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो संपत्तियां बनाते हैं। अगर तुम 90x10 की पहेली सुलझाना चाहते हो तो तुम्हें दोनों प्रकार का निवेशक बनने की जरूरत है। प्रस्तावना में मैंने बताया था कि अमीर डैडी माइक और मेरे साथ समुन्द्र तट पर टहलते टहलते समुद्र तट के सामने की जायदाद का वह बहुत महंगा प्लाट देख रहे थे, जिसे उन्होंने उसी समय खरीदा था। आपको याद होगा, मैंने अमीर डैडी से पूछा था कि वे जायदाद के इतने महंगे प्लाट का खर्च कैसे उठा सकते थे, जबकि मेरे गरीब डैडी ऐसा नहीं कर सकते थे। अमीर डैडी का जवाब था, मैं भी इस जमीन को खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता, लेकिन मेरा व्यवसाय बिक सकता है। प्लाट क्या, वह तो बस मुझे जमीन का टुकड़ा दिख रहा था, जिसमें पुरानी लावारिस कारें थी, एक जर्जर इमारत थी, बहुत सारी झाड़ियां थी, कचरा मलबा था और प्लाट के बीचों बीच बिकाऊ है का एक साइन बोर्ड लगा हुआ था। 12 साल की उम्र में मुझे नहीं दिख रहा था कि इस जमीन पर कोई किसी तरह का कोई व्यवसाय खड़ा कर सकता है, लेकिन मेरे अमीर डैडी को दिख रहा था। व्यवसाय उनके दिमाग में खड़ा हो रहा था। अपने दिमाग में व्यवसाय बनाने की योग्यता ही वह कारण थी जिसकी बदौलत वे आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। दूसरे शब्दों में, अमीर डैडी ने 90x10 की पहेली ऐसी संपत्तियां बनाकर सुलझाई जिन्होंने आगे चलकर दूसरी संपत्तियां खरीदी। यह सिर्फ अमीर डैडी की ही योजना नहीं थी, यह तो उन 10% लोगों में से अधिकतर की निवेश योजना है जो 90% पैसा बनाते हैं, अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में। जिन लोगों ने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है उन्हें रे क्रोक की कहानी याद होगी। उन्होंने मेरे मित्र की MBA क्लास में कहा था कि उन्होंने मैकडोनाल्ड्स नामक जो कंपनी स्थापित की थी वह हैम्बर्ग के कारोबार में नहीं है, उनका असल कारोबार तो अचल संपत्ति का कारोबार है। एक बार फिर फार्मूला यह है कि एक ऐसी संपत्ति बनाओ जो आगे चलकर दूसरी संपत्तियां खरीदे। इसी फार्मूले पर चलने के वजह से आज मैकडोनाल्ड संसार में सबसे अधिक अचल संपत्ति के मालिक है। यह सब योजना का हिस्सा है, इसलिए अमीर डैडी ने मुझसे बार बार कहा था, जब वे जान गए कि मैं अमीर बनने के बारे में गंभीर हूं, अगर तुम 90x10 सुलझाना चाहते हो तो तुम्हें दोनों प्रकार का निवेशक बनने की जरूरत है। तुम्हें यह जानना होगा कि संपत्तियां कैसे बनाई जाती है, साथ ही यह भी जानना होगा कि संपत्तियों को कैसे खरीदा जाता है। औसत निवेशक आमतौर पर इन दोनों प्रक्रियाओं के फर्क के बारे में जागरूक नहीं होता है और वह निवेश की दोनों में से किसी भी प्रक्रिया में अच्छा नहीं होता है। औसत निवेशक के पास आमतौर पर कोई लिखित योजना भी नहीं होती है। आपके विचारों से लाखों, शायद करोड़ों बनाना। इस पुस्तक के दूसरे भाग का ज्यादातर हिस्सा इस बारे में है कि लोग संपत्तियां कैसे बनाते हैं। अमीर डैडी ने मुझे यह प्रक्रिया सिखाने में घंटों लगाई कि कोई व्यक्ति कैसे विचार को व्यवसाय में बदल देता है जो संपत्तियां उत्पन्न करता है, जो दूसरी संपत्तियों को खरीदती है। ऐसे ही एक सबक के दौरान अमीर डैडी ने कहा था, कई लोगों के पास ऐसे विचार होते हैं जो उन्हें इतना अमीर बना सकते हैं जितना कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। समस्या यह है कि अधिकतर लोगों को यह कभी नहीं सिखाया गया कि उनके विचारों के इर्द गिर्द व्यवसाय तंत्र कैसे बनाया जाए। इसी वजह से उनके कई विचार कभी साकार नहीं हो पाते या अपने दम पर खड़े नहीं हो पाते। अगर तुम उन 10% में शामिल होना चाहते हो जो 90% पैसा कमाते हैं तो तुम्हें यह जानने की जरूरत होगी कि अपने सृजनात्मक विचारों के इर्द गिर्द एक व्यावसायिक तंत्र कैसे बनाया जाए। इस पुस्तक के दूसरे भाग का अधिकतर हिस्सा उस बारे में है जिसे अमीर डैडी BI त्रिकोण कहते थे। यही वह मानसिक तंत्र है
जो आपके वित्तीय विचारों को जीवन दे सकता है। यह बी आई त्रिकोण की शक्ति ही है जो विचार को लेकर संपत्ति में बदल देती है। अमीर डैडी अक्सर कहते थे, सबसे अमीर निवेशक सिर्फ यही नहीं जानते कि ऐसी संपत्तियां कैसे बनाई जाए जो आगे चलकर दूसरी संपत्तियों को खरीदे। उनके बहुत अमीर बनने का एक मुख्य कारण यह होता है कि वे अपने विचारों को करोड़ों और शायद अरबों डॉलर में भी बदलने का तरीका जानते हैं। हो सकता है कि औसत निवेशक के पास उत्कृष्ट विचार हो, लेकिन उनके पास अक्सर अपने विचारों को उन संपत्तियों में बदलने की योग्यताएं नहीं होती जो दूसरी संपत्तियां खरीदे। इस पुस्तक का बाकी हिस्सा यही बताने के प्रति समर्पित है कि सामान्य लोग अपने विचारों को उन संपत्तियों में कैसे बदल सकते हैं जो दूसरी संपत्तियां खरीदे। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने विचारों को संपत्तियों में कैसे बदलूं? मुझे यह सिखाते समय अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे, जब तुम पहली बार अपने विचारों को व्यक्तिगत दौलत में बदलने जाओगे तो कई लोग कहेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमेशा याद रखना, तुम्हारे बड़े विचारों को कोई चीज उतना नहीं मारती है जितना कि छोटे विचारों और सीमित कल्पनाओं वाले लोग। अमीर डैडी ने मुझे दो कारण दिए थे जिस वजह से लोगों में यह कहने की प्रवृत्ति होती है, आप ऐसा नहीं कर सकते। पहला, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा वे इसलिए नहीं कहते क्योंकि आप उस काम को नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कहते हैं क्योंकि वे उसे नहीं कर सकते। दूसरा, वे आप ऐसा नहीं कर सकते इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जो कर रहे हैं वे उसे समझ नहीं पाते। अमीर डैडी ने स्पष्ट किया था कि बहुत सा पैसा बनाने की प्रक्रिया शारीरिक कम, मानसिक ज्यादा है। आइंस्टीन का एक कथन अमीर डैडी को बड़ा पसंद था, महान आत्माओं ने हमेशा औसत दिमागों के जबरदस्त विरोध का सामना किया है। आइंस्टाइन के कथन पर टिप्पणी करते हुए अमीर डैडी ने कहा था, हम सभी के पास एक महान आत्मा भी है और एक औसत दिमाग भी है। अपने विचारों को मिलियन या बिलियन डॉलर की संपत्ति में बदलने में एक बड़ी चुनौती अक्सर यही होती है कि हमारी खुद की महान आत्मा और हमारे खुद के अक्सर औसत दिमाग के बीच में युद्ध होने लगता है। जब मैं बी आई त्रिकोण को समझाता हूँ, जो कारोबारी विचारों को जीवन देने वाला व्यवसायिक तंत्र है और जिसे पुस्तक के इस खंड में स्पष्ट किया गया है, तो कुछ लोग इस बात पर बौखला जाते हैं कि बी आई त्रिकोण के कारगर होने के लिए कितने सारे ज्ञान की जरूरत होती है। ऐसा होने पर मैं उन्हें अक्सर उनकी महान आत्मा और औसत दिमाग के बीच के संघर्ष की याद दिलाता हूँ। जब भी किसी व्यक्ति का औसत दिमाग उसकी महान आत्मा का विरोध करने लगता है, तो मैं उसे हमेशा यह बात याद दिलाता हूँ जो मेरे अमीर डैडी ने मुझसे कही थी। उन्होंने कहा था, महान विचारों वाले लोग बहुत से होते हैं, लेकिन ढेर सारे पैसे वाले लोग बहुत कम होते हैं। 90/10 के नियम के सही साबित होने का एक कारण यह है कि अमीर बनने के लिए किसी महान विचार की जरूरत नहीं होती। अमीर बनने के लिए तो विचार के पीछे एक महान इंसान की जरूरत होती है। यदि आप अपने विचारों को दौलत में बदलना चाहते हैं, तो आप में प्रबल जीवट और प्रबल विश्वास होना चाहिए, भले ही आप उस पर पहुंचते हो जिससे आपके विचार करोड़ों, यहां तक कि अरबों डॉलर में बदल सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि महान विचार सिर्फ तभी महान दौलत में बदल सकते हैं यदि विचार के पीछे वाला व्यक्ति भी महान बनने का इच्छुक हो। प्रगति करना प्राय मुश्किल होता है जब आपके आसपास का हर व्यक्ति कह रहा हो, आप यह नहीं कर सकते। आपके आसपास के लोगों की शंका से मुकाबला करने के लिए आपका जीवट बहुत प्रबल होना चाहिए, लेकिन आपके जीवट को और भी शक्तिशाली तब होना चाहिए जब आप ही वह व्यक्ति हो जो खुद से कह रहे हो, आप यह नहीं कर सकते। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको अंधों की तरह नाक की सीध में चलते रहना चाहिए और अपने मित्रों या खुद की अच्छी बुरी राय नहीं सुननी चाहिए। उनके विचार और राय सुने
उनका इस्तेमाल भी करें, लेकिन जब उनके विचार आपके विचारों से सहमत हों। लेकिन इस पल मैं आपसे सिर्फ विचारों या सलाह के बारे में ही बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे जिस बारे में बात कर रहा हूं वह सिर्फ विचारों से अधिक है। मैं आपसे आपके जीवन और आगे बढ़ने की इच्छा के बारे में बात कर रहा हूं। भले ही आप शंका से भरे हों और भले ही आप अच्छे विचारों से दूर हों, कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। यह सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं। आपकी महानता अक्सर राह के अंत में पाई जाती है, और जब बात विचारों को पैसे में बदलने की आती है तो कई मौकों पर आप राह के अंत में पहुंच जाते हैं। राह का अंत वह जगह है जब आपके विचार खत्म हो जाते हैं, पैसा खत्म हो जाता है और आपका मन शंका से भर जाता है कि जरूरत है और आपका मन शंका से भर जाता है। अगर आप अपने भीतर आगे चलने का जीवन जगा सकते हैं तो आपको यह पता चल जाएगा कि अपने विचारों को महान संपत्तियों में बदलने के लिए दरअसल किस चीज की जरूरत होती है। किसी विचार को भारी दौलत में बदलना मानव मस्तिष्क का कम मानव जीवन का मामला अधिक है। हर राह के अंत में उद्यमी को उसका जज्बा ही बचाता है। अपने उद्यमी जज्बे को खोजना और उसे शक्तिशाली बनाना उस विचार या व्यवसाय से अधिक महत्वपूर्ण है जिसे आप विकसित कर रहे हैं। एक बार जब आप अपने उद्यमी जज्बे को शक्तिशाली बना लेते हैं तो आप हमेशा बहुत सामान्य विचारों को असाधारण दौलत में बदलने में समर्थ होंगे। हमेशा याद रखें, संसार महान विचारों वाले लोगों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें महान दौलत वाले बहुत कम लोग हैं। आपके उद्यमी जज्बे को खोजने के प्रति समर्पित है यह साधारण विचारों को असाधारण दौलत में बदलने की आपकी योग्यता विकसित करने के प्रति भी समर्पित है। दूसरा चरण आपको अमीर डैडी के विभिन्न प्रकार के निवेशकों की जानकारी देता है और आपको वह मार्ग चुनने की अनुमति देता है जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो। तीसरा चरण अमीर डैडी के BI त्रिकोण का विश्लेषण करता है और बताता है कि यह आपको एक ऐसा तंत्र कैसे प्रदान कर सकता है जो आपके विचार को संपत्ति में बदल दे। चौथा चरण परिष्कृत निवेशकों के दिमाग के भीतर पहुंचता है और यह जानकारी देता है कि वे निवेशों का विश्लेषण कैसे करते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ निवेशकों के मार्ग का अवलोकन भी करता है जो अपने विचार और BI त्रिकोण को दौलत में बदल देते हैं। अंतिम यानी पांचवें चरण में समाज को लौटाने का महत्व बताया गया है। धन्यवाद। आइए चलते हैं अध्याय 21 की तरफ, जो है निवेशकों की श्रेणियां। आपका दिन